निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ससंघ चातुर्मास हेतु सागर में विराजमान है। पूरे देश के गुरु भक्त मुनिश्री के दर्शन करने तीर्थ क्षेत्र पर पहुंच रहे हैं। इस क्रम में ही 14 अगस्त को भामाशाह श्री अशोक पाटनी जी और श्राविका श्रेष्ठी श्रीमती सुशीला पाटनी अपने परिवार के साथ चातुर्मास स्थल पर पहुंचे। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ससंघ जहाँ विराजते हैं, वहाँ भक्तों का मेला लगना अति स्वाभाविक है। और ये मेला इन दिनों सागर के भाग्योदय तीर्थ में लगा हुआ है, जहाँ भक्त देश के कोने कोने से गुरु भक्ति की बयार में भीगने के लिए आ रहे हैं। 14 अगस्त को मुनिवर के दर्शन को भामाशाह श्री अशोक पाटनी जी और श्राविका श्रेष्ठी श्रीमती सुशीला पाटनी अपने परिवार के साथ चातुर्मास स्थल पर आए और गुरुवर का पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य प्राप्त किया। गुरुवर के पाद प्रक्षालन के बाद सौभाग्यशाली गुरु भक्त पाटनी परिवार ने चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम को गति प्रदान की। फिर शुरू हुआ क्रम मुनिवर की दिव्य देशना का, जिसमें मुनिवर ने फिल्मों और पुराणों के उद्देश्य में समानता को स्पष्ट किया। पिक्चर इसलिए नहीं बनाई जाती है कि खलनायक को पापी को दुखी दिखाना है। पिक्चर इसलिए बनाई जाती है कि खलनायक को जितना सुख दे सको देना है, जितना सुख मिल सके। सबसे अच्छी पिक्चर का रूप है, नाटक का रूप है। इसे हमारी भाषा में कहें तो हमारे पुराणों का नियम है, इसे प्रथमान योग। आपकी आधुनिक भाषा में पिक्चर एक कहानी को लेके बनती है, और वही हमारे यहाँ पुराण संज्ञा देते हैं, किसी व्यक्ति के कहानी को लेकर शुरू होते हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों में एक कहानी है, दोनों में दो पात्र हैं। आज तक कोई कहानी ऐसी नहीं बनी जिसमें कोई खलनायक ना हो। आज तक कोई ऐसी कहानी नहीं बनी जिसमें कोई हीरो ना हो। हीरो और खलनायक नहीं हो, वो कहानी कथा नहीं बन सकती। इस तरह सौभाग्यशाली पाटनी परिवार सहित उपस्थित हजारों लोगों ने गुरु भक्ति दर्शाती हुई इन क्षणों का आनंद उठाया। जैन फोकस के लिए सागर मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।